सर मीडिया को लगाने दीजिए। नमस्कार, न्यूज फॉर्मेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। आरजेडी के दो दिवसीय बैठक की शुरुआत आज दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से हो गई। बता दें कि आज इस बैठक में पार्टी का किस तरीके से आगे का एजेंडा रहेगा उस पर बातचीत की गई, लेकिन इस बैठक में पहले तो आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नहीं पहुंचे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव भी इस बैठक से काफ़ी नाराज़ दिखे। बता दें कि उन्होंने दावा किया है कि बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया है कि श्याम रजक, जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी ले रहे थे, संभाल रहे थे। उन्होंने तेज प्रताप यादव को गंदी गाली से के शब्दों से प्रयोग किया है। उन्होंने साफ तौर पर श्याम रजक, आरजेडी के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ही तेज प्रताप यादव को कल और उनके पीए को गाली से सुशोभित किया था। बता दें कि इसको लेकर जब आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेज प्रताप यादव के पिता लालू प्रसाद यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस पूरे कार्यक्रम के बाद एक शब्द भी वो बोलते हुए नज़र नहीं आए। बता दें तेज प्रताप यादव बाहर निकल कर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने श्याम रजक पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि श्याम रजक ने हमारे आदमी और मुझे गंदी गाली दी, बहन की गाली दी, उसके बाद ही इस तरीके से बात हो रहा है। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने यह भी दावा किया है कि श्याम रजक आरएसएस और बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए इस तरह की बातें उनकी ओर से लगातार की जाती है। लेकिन बता दें कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव से जब न्यूज फाउंडेशन लगातार इस बात को पूछता रहा तो उस पर वो खामोश दिखे, चुप्पी साधे हुए दिखे, वो भी कुछ बोलते हुए नज़र नहीं आए। क्या कुछ कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव के गुस्से होने पर छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। मीडिया को लगाने दीजिए। बैठक हुई, प्लीज